गाइस नोमी भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे गाइस ये समझ बैठे कि पाकिस्तानी टीम का सफर जो है T20 में वो ख़त्म हो चुका, तो ये एक बड़ी खबर है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दो मैच पाकिस्तान ने खेले, दोनों हारे, और एक तो इंडिया के साथ था जो कि हमने देखा, आपने देखा कि वो मैच कैसे हुआ। पाकिस्तान की टीम आखिरकार वो मैच हार गई, और उससे भी बड़ी खबर ये थी कि जब जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम से पाकिस्तानी टीम हारेगी तो फिर एक बार पाकिस्तान के बॉय जो हैं उन वो दिल को छोड़ देते हैं, दिल उनका टूट जाता है। लेकिन गाइस आपने घबराना नहीं, पाकिस्तान के 3 मैच अभी बाकी हैं, और उन 3 मैचों में पाकिस्तान को ना सिर्फ अपना रन रेट अच्छा करना होगा बल्कि एक अच्छे मार्जिन से उसको जीतना भी होगा, अपना रन रेट ठीक भी करना होगा। और ये गलती जो कप्तान कर रहा है, और ये देखें सबसे पहले उन्होंने ये गलती की कि इस तरह की मिस फील्डिंग जो कि एक रवायत चली आ रही है सदियों से पाकिस्तानी टीम की, ये कमज़ोरी, कमज़ोर फील्डिंग। और अगर फील्डिंग ही आपने देखनी है तो फिर आप देखें साउथ अफ्रीका की जॉन्टी रोड जैसे, उनके पास खिलाड़ी मौजूद, और हमारे पास जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये शादाब खान है जनाब, जो कि एक बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान का। फील्डिंग में इसका जवाब नहीं, अगर इसको कंपैरिजन कर दिया जाए जॉन्टी रोड से तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 3 मैच हैं पाकिस्तान उसमें धुआंधार बैटिंग भी करेगा और अच्छी बॉलिंग भी करेगा। और हमारी ये दुआ है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो वापस फॉर्म में आ जाए, आजकल काफ़ी देर के बाद वो वापस आया और ऑफ कलर भी लग रहा है। तो हमारी ये दुआ है, हम अपने गाइस से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं, और जुमे के दिन हम स्पेशल दुआ कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाएं, क्योंकि दुआओं के बगैर पाकिस्तान तो चलता ही नहीं और दुआओं के बगैर मुसलमान आगे बढ़ता ही नहीं। तो हम भी दुआ करते हैं आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं, और उम्मीद करें कि हमारे ये शेर, ये जैसे नसीम शाह छक्के मारने वाला एक मजमूआ वसीम अकरम की तरह, ये भी वापस फॉर्म में आ जाए, अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। तो इस दुआ के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, और अच्छी अच्छी खबरें आपके साथ लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।